वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे खुद से भी, ठीक है? Your spine is composed of individual bones called vertebrae. Your vertebrae form a protective tunnel called the spinal canal, which surrounds the spinal cord as it travels down the length of your spine. On each side of the spinal cord, spinal nerves exit the spinal canal through small bony channels called neural foramina. अभी तक सिर्फ दो पॉइंट्स पता चले हमें, क्या कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स हैं छोटे छोटे से बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं, और दूसरी बात हमें ये पता चली कि इनमें होल है, हर एक वर्टिब्रल कॉलम में एक होल है, ठीक है? और ये सक्सेसिव वर्टिब्रल कॉलम जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो अरेंज्ड हैं, और ये बीच में एक होल है जो कि एक टनल फॉर्म कर रहा है, और इस टनल में जो है वो क्या होगी, हमारी हमारी ब्रेन से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही होगी वो प्रोटेक्टेड होगी, ठीक है? तो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आ रही है, उस टनल में जो कि यहाँ पर बीच में बना था, जिसे हम न्यूरल कैनाल कहेंगे, ठीक है? और ये न्यूरल कैनाल किस में है, इन वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में, ठीक है? तो वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है. दूसरी बात हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पर, कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, ठीक है? फिर हम ये भी तो कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स अराइज होंगी जो कि हमारी बॉडी के पेरिफेरल रीजन्स में जाएंगे, ठीक है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही होंगी. तो ये नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये नर्व जिन होल्स से अराइज होंगी बाहर निकलेंगी, ठीक है? उन होल्स को हमने क्या कह दिया है, न्यूरल फोरामेन कह दिया, ठीक है? अब देख लो दोबारा से. Form a protective tunnel called the spinal canal, which surrounds the spinal cord as it travels down the length of your spine. On each side of the spinal cord, spinal nerves exit the spinal canal through small bony channels called neural foramina. Your lumbar spine is the lower third of your spinal column. Between each vertebra, a flexible pad called an intervertebral disc acts as a shock absorber for your spine. Lumbar disc crest. ये वर्टिब्रल डिस्क जिसे हमने क्या कहा था, इंटर वर्टिब्रल डिस्क. इंटर क्यों कह रहे हैं, बीच में है, किसके वर्टिब्री के, दो वर्टिब्री के बीच में, तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा है इसे, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट है, दो सक्सेसिव वर्टिब्री कॉलम वर्टिब्रल के वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है? Lumbar disc pressure can increase by more than 50% when you change from a standing position to bending over, or by more than 80% between a standing position and sitting with no back support. The intervertebral disc's tough outer ring is known as the annulus fibrosus. The soft gel-like center is called the nucleus pulposus. ये जो बताया है, ये क्या बताया है, स्ट्रक्चर बताया है किसका, डिस्क का, ठीक है? जिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अब तक हम बात करते हुए आ रहे थे, उस डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा है, इन एक्चुअल जो आउटर रीजन है इसका वो हार्ड है, टफ है, ठीक है? और इसका जो इनर रीजन है वो जेली लाइक है, इसको क्या हो रहा है, ठीक है, वो जेली लाइक है, और उसमें भी शॉक एब्जॉर्बिंग पावर है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, जो आउटर रिंग है उसको हमने क्या कह दिया है, उसको हमने कह दिया है न्यूलस फिब्रोसस, ठीक है? और जो इनर जेली लाइक रीजन है इसका डिस्क का, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, उसे हमने क्या कह दिया है, उसे हमने कह दिया है प्रोपल्शन, न्यूक्लियस प्रोपल्शन.
ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो अब तक हमने डिस्क का स्ट्रक्चर देखा है कैसा है, ठीक है, और इसके अलावा अब तक हमने डिस्क का स्ट्रक्चर देखा है कि डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें हमने बात की है कि बीच में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस प्रोपल्शन है, और ये आउटर रिंग थोड़ा सा टफ है, हार्ड है, और ये क्या है, ओहो, एन्यूलस फाइब्रोसिस, ठीक है, may dry out and lose flexibility, causing small tears and lurch forward forcefully, causing your vertebrae. It's called the nucleus pulposus. During a traumatic injury, your spine may lurch forward forcefully, causing your vertebrae to compress the front of one or more of your lumbar discs beyond normal limits. As a result, the back of your disc protrudes backward, causing small tears and thinning of your annulus fibrosis. Over time, your damaged annulus fibrosis may weaken and change shape, and your nucleus pulposus may dry out and lose flexibility. As your intervertebral disc deteriorates, your nucleus pulposus may push your annulus outward, resulting in a disc bulge. Depending on its location, the bulge may push on or impinge one of your spinal nerves, your spinal cord, or your cauda equina, which is a collection of spinal nerve roots at the end of your spinal cord. Hmm. Chalo, ye dekho ek point aur. Central disc bulges protrude backward into your spinal canal. Lateral disc bulges extend into your neural foramen. Severe lumbar disc injuries can tear your annulus fibrosis. Pressure from your vertebrae may push your nucleus pulposus out of your torn annulus, causing a disc herniation. A herniated lumbar disc can impinge. अच्छा, अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर ये हुआ है कि हमने देखा था कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आउटर रिंग हार्ड है, टफ है, बीच में हमारे पास जेली लाइक वो है, जेली लाइक इसका इनर रीजन कैसा है, जेली लाइक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या कि अचानक से कोई ट्रॉमा आया, ठीक है, कोई शॉक आया, ठीक है, या कोई इंजरी हुई, जिसकी वजह से हुआ ये है कि इसका ये जो आउटर रिंग था, ठीक है, एन्यूलस फाइब्रोसिस, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, डैमेज हुआ, ठीक है, या ये बहुत जोर से प्रेस हुआ है दो वर्टिब्री के बीच में, ठीक है, तो इसकी अब शॉक अब्जॉर्बिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, डीजेनरेट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट थे वो सेल्स डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि डैमेज हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये प्रेस हुआ, इस वाले पॉइंट पे हमने देखा कि ये आगे से क्या हुई थी, प्रेस हुई थी, जिसकी वजह से पीछे से प्रोट्रूड की थी, बाहर आ गई थी, स्लिप हो गई थी, ठीक है, यहाँ से प्रोट्रूड करके बाहर आई, ठीक है। अच्छा, अब इससे हुआ ये कि ये डैमेज हो गया इसका रिंग, ठीक है, जब इसका रिंग डैमेज हुआ तो अब इसके पास जो सेल्स मौजूद थे जिनके पास शॉक एब्जॉर्बिंग पावर भी थी, ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ठीक है, अब उनकी वो एबिलिटी रिड्यूस होती जा रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि यहाँ डिटेरियोरेशन स्टार्ट हुई है सेल्स की, ये जो आपकी जो आउटर रिंग है वो क्या हो रहा है, हार्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और इसी के साथ साथ क्योंकि एसोसिएटेड है जो इनर रीजन है, जेली लाइक इनर रीजन है, ठीक है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रहा है, ड्राई आउट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अब इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी जो कि पहले थी। अब अगर जरा सा भी ज्यादा प्रेशर पड़ा इसके ऊपर वर्टिब्री का, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से रप्चर हो सकता है या फिर बल्ज होकर बाहर आ सकता है, ठीक है, रप्चर भी हो सकता है, ठीक है, रिंग, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस प्रोपल्शन है ये बाहर भी आ सकता है, ठीक है, इसके यहाँ फिर इसके अलावा क्या हो सकता है
ये यहाँ से वैसे ही बल्ज होकर प्रोटूड होकर बाहर आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है, ये प्रोटूड कर रहा है, तो हमें पता है कि इसके आसपास स्पाइनल कॉर्ड भी होगी, ठीक है, इसकी ये नर्व्स भी होंगी, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो इन्हें ये क्या करेगा, प्रेस करेगा। जब ये इन्हें प्रेस करेगा तो हमें पता है कि जब भी हमारी कोई नर्व प्रेस होती है, ठीक है, तो उससे हमें इंटेंस पेन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इंटेंस पेन कॉज करेगी आपके उस रीजन में जिस रीजन में ये डिस्क क्या हुई है, स्लिप हुई है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्क स्लिप कह रहे हैं। ट्रीटमेंट्स देखो, causing a disc herniation, a herniated lumbar disc can impinge upon the cauda equina or spinal nerves and cause symptoms such as pain, numbness or weakness in one or both of your legs. Treatment for lumbar disc injuries may include rest, anti-inflammatory medication, muscle relaxants, ice or heat applied to the injured area, physical therapy, an epidural steroid injection given directly into the area of nerve irritation, and in more severe cases, surgery. जी, तो अब तक जो हमने बात की वो क्या बात की है, उसमें हमने ये बात की कि हमारे जो डिस्क मौजूद हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, उन डिस्क में प्रॉब्लम ये आई है कि अचानक से कोई शॉक मिला है उन्हें, कोई ट्रॉमा मिला है जिसकी वजह से वो प्रेस हुई है दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रेशर मिला है अचानक से, तो उसकी वजह से हुआ ये है कि यहाँ पर डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो गई है, ये वीक हो गई है, डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से ये ड्राई आउट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और अब इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं रहेगी जो कि पहले मौजूद थी, ठीक है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता से क्योंकि हार्ड हो रही है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो अगर ज़रा सा भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड जो जेली लाइक न्यूक्लियस प्रोपल्सस था, ठीक है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो जाएगा, ड्राई आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जरा सा भी प्रेशर ज्यादा हो गया वर्टिब्री कॉलम का इसके ऊपर, ठीक है, इस डिस्क के ऊपर, ठीक है, तो वो या तो इसको रप्चर कर देगी या फिर इसको बल्ज कर देगी आउटवर्ड, ठीक है। उस बल्जिंग की वजह से या रप्चर होने की वजह से, बल्जिंग की वजह से तो खैर वैसे ही वो प्रेस कर सकता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को या हमारे स्पाइनल नर्व्स को, ठीक है। या इसके अलावा अगर जो है वो रप्चर हो जाता है तो आपका बीच में जो प्रेजेंट था न्यूक्लियस पल्सेस भी आ सकता है और वो भी प्रेस कर सकता है आपके नर्व्स को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को। और जिस भी एरिया में ये उस स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व को प्रेस कर रहा होगा वहाँ इंटेंस पेन होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को या ये जो भी कुछ हुआ है इसे हमने क्या कहा है, डिस्क स्लिप कहा है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अगर तो ये बहुत सीवियर है तो लॉन्ग बेड रेस्ट जो है वो करना पड़ेगा पेशेंट को, ठीक है, और सर्जरी भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है वो नॉर्मल है तो सिंपल पेन किलर्स और इंजेक्शन से काम हो सकता है, ठीक है। और अगर इतना सीवियर है कि सर्जरी से और पेन किलर्स वगैरह से रिलैक्सेंस की वजह से भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर आपने अक्सर देखा होगा कि डिस्क रिप्लेस कर दी जाती हैं रबड़ की डिस्क से, ठीक है, जो डिस्क रबड़ से मिलके बनी हुई होती हैं उन रबड़ डिस्क से इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी करके। इसके अलावा अगर बहुत माइनर लेवल पर है तो सिंपल फिजियोथेरेपी के थ्रू ही हो जाता है, और आपने अक्सर देखा होगा हमारे दादा वो दादी अम्मी नाना वो नानी अम्मी फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। सर्जरी में कैसे, ठीक है, सर्जरी में क्या करे होंगे, या तो अगर डैमेज ज़्यादा नहीं है तो उसी को दोबारा रिपेयर कर देंगे जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, और इंजेक्शन और मेडिकेशन के थ्रू इसमें वापस से फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर जो है वो ये डिस्क अब सही तरह अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो हम क्या करेंगे, इसको इन डिस्क को आपने अक्सर देखा होगा ये उसमें जॉइंट्स में वैसे भी होता है, कभी किसी का घुटने में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कुछ हो गया है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनको वो लगा देते हैं,
ये क्या बोलते हैं, रबड़ की शायद वॉशल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह का कुछ कह रहे होते हैं, वो जो है ना सर्जरी करके उस ज्वाइंट को रिप्लेस कर दिया जाता है उस रबड़ से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी कॉज होती है, तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है। एपीड्यूलर के बारे में किसी ने पूछा है, ठीक है, ये वो होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना अपने ज्वाइंट्स में इंजेक्शंस लगवाते हैं जिससे कुछ अरसे के लिए उस ज्वाइंट में पेन नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी, ठीक है, उन्हें शायद, हाँ उन्हें ही कहते हैं एपीड्यूरल इंजेक्शन या मेडिकेशन या ड्रग, ठीक है। वो असल में करते क्या है, वो उस जगह को शायद सुन कर देते, नम कर देते, जिससे आपको ना पेन फील नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, लेग्स पर इफेक्ट पड़ता बता, लेग्स पर वो शियाटिका में बताएंगे अभी हम, आउटर रीजन इज कॉल्ड, आउटर रीजन बोले तो वो एन्यूलस फिब्रोसिस की बात कर रहे हो, एन्यूलस फिब्रोसिस कहते हैं हम उस रैंक को, ठीक है। मिस वो एनेस्थेटिक नहीं होता ड्यूरिंग, हाँ होता है, ये भी होता है, और कुछ जो आप चाइल्ड बर्थ वाली बात कर रहे हो ना, ये भी मेरे ख्याल में ये वाला इंजेक्शन भी ज्वाइंट में ही लगता है, बैकबोन में ना, किसी बैकबोन की किसी ज्वाइंट में शायद ये इंजेक्शन लगता है ताकि वो वहां से नमनेस हो जाए उस एरिया में। हाउ कैन इट बी क्योर बाय जस्ट हीट और आइसिंग, वो तो फिजियोथेरेपी है। मिस व्हेन वी चेंज आवर पोजीशन फ्रॉम स्टैंडिंग टू सिटिंग व्हाट हैपेंड टू दी कॉर्ड, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वो प्रेशर बताया कि 80% ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अगर हम वैसे जो है वो खड़े हुए हैं तो 50% पड़ रहा होता है प्रेशर हमारी बॉडी वेट का उसके ऊपर, और अगर जो है वो हम बगैर बैक सपोर्ट के बैठना चाहते हैं किसी चीज के ऊपर तो 80% हो जाते हैं। वो सिर्फ वो बता रहे थे कि लाइक प्रेशर जो है वो इतना बेयर कर रही होती है हमारी डिस्क्स, लेकिन अचानक से कोई एक्सटर्नल प्रेशर या कोई ट्रॉमा आ जाता है तो उसकी वजह से अचानक से ये सब कुछ हो रहा हो, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द कॉर्ड, कॉर्ड को कुछ नहीं हुआ है, उसने प्रोट्रूड किया है ना, डिस्क स्लिप हो गई है अपनी जगह से, तो पीछे जो कॉर्ड जा रही थी, जो कैनाल थी हमारी, ठीक है, जिस कैनाल से कॉर्ड गुजर रही थी उस कॉर्ड को उसने जाके प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उस कॉर्ड में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलें। यार ये तो मुझे नहीं पता सभी का, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में ना कहते हैं कि वो हमारी जो प्यूबस बोन होती है ना वो मूव करती है, ठीक है, वैसे प्रेशर तो डेवलप होता है बैकबोन पर भी बहुत। मिस स्लाइड्स फिर दिखा दिएगा, क्या लेने हैं फॉर पिक लेनी है, अरे स्लाइड कौन सी स्लाइड, तो थी नहीं ये स्लाइड थी बस, जिसमें डिस्क की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है, स्लाइड तो थी नहीं, इस लिंक को अभी हमने देखा है। चलो फिर चले, अब और तो कोई क्वेश्चन नहीं है कल की, बस ना ये वाली खत्म हो गई है, अब मैं आज आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है, अब हम मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, चलो ठीक है भाई हाजरा, आप कहती हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, डिस्क स्लिप के बाद, डिस्क स्लिप के बाद क्या है, क्या है, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोसिस बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही वियर और टियर वाला जो है वो काम हो रहा है डिस्क में, लेकिन ये कहाँ पर हो रहा है, नेक रीजन में हो रहा है, ठीक है, कौन से रीजन में हो रहा है, नेक रीजन, बल्कि अब हम नेक रीजन नहीं कहेंगे, अब तो हमें पता है ना कि ये वाला रीजन क्या कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम का, बताओ जरा जल्दी से, वर्टिब्रल कॉलम के जो ऊपर के 7 वर्टिब्री थे, इस वाले रीजन को हम क्या कहते थे,
जी बेटा सुकैना, सर्वाइकल, वेरी गुड। ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन में समझो यही डिस्क स्लिप वाला काम हुआ है। ठीक है, अच्छा ये एज के साथ जो है वो बढ़ता भी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई शॉक ही हुआ है, कि कोई शॉक ही मिला है। ठीक है, ये एज के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता से डिटेरियोरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये स्पॉन्डाइलोसिस हम कब कह रहे हैं, या हम इसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कौन से रीजन में हो रही है, ये डिफॉर्मिटी हो रही है अगेन उसी की। ठीक है, वर्टिब्रल जॉइंट्स ही की डिफॉर्मिटी है, लेकिन पर्टिकुलरली किस रीजन में हो रही है, ये हो रही है नेक रीजन में, यानी कि सर्वाइकल रीजन में। ठीक है, दो एडजेसेंट जो हमारे वर्टिब्री हैं सर्वाइकल रीजन के, ठीक है, उसमें डिफॉर्मिटी हुई है, ये सर्वाइकल रीजन के हमारे ये वाले जो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसमें डिफॉर्मिटी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि अब जो है वो प्रेशर इमर्ज हो रहा है अगेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर, या हमारी उन नर्व्स पर जो कि यहाँ से इमर्ज हो रही है। ठीक है, और इस रीजन से जो भी नर्व्स इमर्ज हो रही होती हैं वो हमारे शोल्डर्स में जा रही होती हैं और हमारे अपर लिम्स में जा रही होती हैं, हमारे आर्म्स में जा रही होती हैं। ठीक है, तो जब प्रेशर इन सर्वाइकल नर्व्स पर पड़ेगा, ठीक है, तो फिर हमें पेन या नमनेस कहाँ फील होगी, हमारे शोल्डर्स में फील हो रही होगी। ठीक है, और हमारे जो अपर लिम्स हैं यानी कि हमारे आर्म्स हैं वहाँ फील हो रही होगी। ठीक है, नंबर वन, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, सर्वाइकल रीजन में हो रहा है। ठीक है, डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टिब्रल ज्वाइंट, ठीक है, सर्वाइकल रीजन में हो रही है, इसकी वजह से जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा है वहाँ की इमर्जिंग नर्व्स में, तो वो नर्व्स कहाँ जा रही होती हैं, हमारे अपर लिम्स में, आर्म्स में और शोल्डर्स में जा रही होती हैं, तो हमें पेन भी आर्म्स और शोल्डर में ही फील हो रहा होता है। ठीक है, नंबर टू, यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर एक हार्ड सा कॉलर होता है, कुछ लोगों ने गर्दन में पहना हुआ होता है नेक रीजन में। ठीक है, तो वो हार्ड सा कॉलर क्यों पहनते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ डिफॉर्मिटी हुई है इनवर्टिब्रल कॉलम्स की। ठीक है, ये एज के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि एक वर्टिब्रल कॉलम का प्रेशर दूसरे वर्टिब्रल कॉलम पे पड़ रहा है और बीच से जो भी नर्व जा रही है उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलर पहना जाएगा, उस कॉलर से होगा ये, यहाँ पर नेक के अराउंड एक कॉलर पहना जाएगा, हार्ड कॉलर होगा, उससे होगा ये कि वो नेक को ना थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो प्रेशर जो इस जो हेड के वेट से इन वर्टिब्रल कॉलम्स पे पड़ रहा था, ठीक है, और इन वर्टिब्रल कॉलम्स के की वजह से किस पे पड़ रहा था, यहाँ से जो नर्व्स अराइज हो रही थी उन पे पड़ रहा था। ठीक है, तो वो कॉलर ने इस हेड रीजन को, आपने देखा होगा जिसने भी कॉलर पहना होता है उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस कॉलर का काम ही ये है कि वो आपके हेड को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखे, ताकि आपका हेड का जो वजन है, जो वेट है, वो प्रेशराइज ना कर सके इन वर्टिब्रल कॉलम्स को। ठीक है, तो इन दी मेन वाइल जब मेडिकेशंस दी जा रही हैं कि इन वर्टिब्रल कॉलम्स में जो है वो आए, मतलब ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, क्योर किया जा रहा होता है इसको। ठीक है, तो फिर आपको कॉलर पहनने के लिए कहा जाता है, ताकि जब तक आपको रिलीफ मिल सके, आपके जो हेड के वेट का प्रेशर है वो इन वर्टिब्रल कॉलम्स पे या इन नर्व्स पर ना पड़े। ठीक है, और पेन से आपको रिलीफ मिले। ठीक है, तो ये क्या है, स्पॉन्डाइलोसिस है। ये डिफॉर्मिटी कहाँ की है, स्पेशली सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रल कॉलम्स की है। ठीक है, काम यहाँ पर वही हो रहा है कि दो वर्टिब्रल कॉलम्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच से जो भी नर्व्स अराइज हो रही होंगी वो नर्व्स प्रेस हो रही हैं, और वो नर्व्स स्पेशली शोल्डर और हमारे आर्म्स में जाती हैं, तो हमें पेन और नमनेस भी आर्म और शोल्डर में ही फील हो रही होती है। इसके लिए यहाँ पर एक कॉलर पहनाया जाता है, जब तक मेडिकेशन दी जा रही होती है इसको क्योर करने के लिए। तो उस कॉलर का फ़ायदा ये है कि वो आपके हेड को थोड़ा सा ऊपर करके रख रहा होता है, ताकि आपके हेड का वेट इस रीजन पर ना पड़े। ठीक है, और जब इस रीजन पर हेड का वेट नहीं पड़ेगा तो आपकी जो नर्व्स हैं वो भी प्रेस नहीं होंगी और आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, समझो कि नहीं। ठीक है, दीदी से पूछ लो, कुछ पूछना है तो।
बेटा आपका तो पता नहीं, मेरा तो नॉर्मल है। क्या मतलब? हमारा, आप क्या पूछ रही हो? हमारा भी नॉर्मल हेड है, तो प्रेशर पड़ता है। देखो मेरा तो नॉर्मल हेड है, प्रेशर तो मेरे भी पड़ता है, लेकिन मेरी वर्टिब्रल डिस्क अल्हम्दुलिल्लाह अपना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कोई चटाखा वटाखा लगा दे अगर मेरे मुंह के ऊपर और अचानक से झटका वटका पड़ जाए तो भी मेरी गर्दन बर्दाश्त कर लेती है इसको। पूछो महारा, इलेबरेट करो क्वेश्चन को, क्या कह रही हो? और किसी ने कुछ पूछना है जब तक महारा टाइप कर रही हूँ? नो? चलो महारा आप जरा टाइप करो, क्या पूछना चाह रही हो? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है आर्थराइटिस, ठीक है? तो आर्थराइटिस में हम क्या देख रहे होंगे? आर्थराइटिस तो यार आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो आर्थराइटिस में होता क्या है असल में, कि आपकी जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर इंफ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है आपके ज्वाइंट्स के ऊपर। हमने देखा था ना कि दो बोन्स के बीच में जो जहाँ पर आर्टिकुलेशन हो रही होती है वहाँ पर एक कैप होता है कार्टिलेज का, ठीक है? वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल तो नहीं, लाइक जो उसकी नेचर है वो क्या हो रही होती है, डी नेचर हो रहा होता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अब दोनों ज्वाइंट्स आपस में जो है वो फ्रिक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और ऊपर से जो कैप है वो भी क्या हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, ऐसा ऐसा से हट रहा है वहां से जहाँ पे वो प्रेजेंट है, ताकि फ्रिक्शन को सपोर्ट कर सके, फ्रिक्शन ना हो पाए वहां पर, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उस रीजन में स्वेलिंग हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, या हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्थराइटिस, और ये विद एज स्पेशली हमें नजर आती है, ठीक है? तो अगर हम वापस जाएं अपनी स्लाइड पर जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स देखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास ये एक बोन है, आपके पास ये एक बोन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, एंड वी हैव अ कैप ओवर हियर, ठीक है? जिस कैप को हम क्या कह रहे थे कि ये कार्टिलेजिनस कैप है या आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस बोन पर भी था, इस बोन पर भी था, ठीक है? विद द एज हुआ क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से डिटेरियोरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? अच्छा, अब डिटेरियोरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये हो सकता है कि हमने कहा था कि यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स मौजूद है, इलास्टिन फाइबर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कैल्सिफिकेशन नहीं हो रही होती, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हम कह रहे थे कि वो नहीं हो सकता, डेपोजिशन ऑफ सॉल्ट जो है वो बहुत निग्लिजिबल है, ठीक है? तो यहाँ पर शायद सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हो, जिसकी वजह से ये और ज्यादा टफ हो रही हो, ठीक है, हार्ड हो रही हो, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ रही हो, या इसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स जिन्होंने क्या फॉर्म किया था, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज फॉर्म किया था, ठीक है? तो यानी कि कार्टिलेजिनस सेल्स थे, ठीक है, उनकी डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो गई है एज के साथ साथ, ठीक है? तो उससे हुआ ये कि ये डैमेज होना स्टार्ट हो गई, ये पूरी लेयर, ये पूरा कैप डैमेज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? जब ये डैमेज होना स्टार्ट हुआ तो इन दोनों बोन्स में फ्रिक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है? जब फ्रिक्शन स्टार्ट हुई तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी, पेन भी होगा, ठीक है? और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आर्थराइटिस, ठीक है? और ये स्पेशली जो एजड लोग होते हैं उनमें होता है, ठीक है? और इसे हम ज्वाइंट पेन भी कहते हैं, सही? जिसमें हमें टेंडरनेस फील होती है, स्टिफनेस हो जाती है ज्वाइंट में, ठीक है, और स्वेलिंग होती है, ठीक है? और कभी कभी बाहर से हम वैसे देखें तो रेडनेस भी फील हो रही होती है हमें बाहर से ज्वाइंट्स में, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, आर्थराइटिस। जी कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन क्या था, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बता दो कैल्सिफिकेशन क्या होता है। अगर कैल्सिफिकेशन नहीं पता तो फिर तो आपको ऑसिफिकेशन भी नहीं पता। OSSIFICATION,
कैल्शियम डेपोजिशन, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, वेरी गुड, हार्डनिंग ऑफ टिश्यू बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डेपोजिशन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है. तो कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन दोनों क्या है? ये विटामिन डी की वजह से जब हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स और हमारे फॉस्फोरस वगैरह क्या हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है हमारे बोन के मैट्रिक्स में आकर, तो हम क्या उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, कैल्सिफिकेशन कह रहे होते हैं, ठीक है, या फिर ऑसिफिकेशन कह रहे होते हैं, ठीक है. चलो ठीक है, ओके. अच्छा हमारा टाइम तो वन ही हुआ है ना? नहीं हुआ. आर्थराइटिस के बाद क्या है? शियाटिका में क्या होगा? अच्छा भाई, ये जो पेन है ना, ये स्पेशली आपके शियाटिक नर्व में होता है. आपको पता है शियाटिक नर्व कहाँ होती है? यार इसकी डायग्राम नहीं है, छोड़ो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी डायग्राम के साथ. इसकी ना डायग्राम नहीं है. तो अभी हमारे पास कितने मिनट्स हैं? अभी हमारे पास हैं 6 मिनट्स, तो बहुत है. ये एक छोटी सी वीडियो है बोन रिपेयर की, ये देखते हैं, बड़ा मजा आएगा. जरा गौर से देखना मेरी बहनों और भाइयों, इसमें हम देख रहे हैं बोन रिपेयर, ठीक है. हड्डी के हो चुके हैं टोटे टोटे, और वो जो टोटे टोटे हुए हैं उन टोटे टोटे को हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर हुआ है हड्डी में, बोन में, ठीक है. तो अब उस फ्रैक्चर को ये लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से हड्डी बना दें. कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं. चलो भाई, ये हड्डी टूट गई. अच्छा मुझे ये तो बता दो, हमारा एंडो स्केलेटन लिविंग है या नॉन लिविंग है? हमारा एंडो स्केलेटन लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है तो ग्रो करेगा, इसका मतलब है. चलो सही है फिर तो. क्या जबरदस्त जवाब दिया भाई आप लोगों ने. क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही है?
ये देखो इनकी हड्डी के ना टोटे टोटे हो गए थे। अब ये छोटी छोटी वाली हड्डियां तो वापस जुड़ नहीं सकती थी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया, और ये सारा जो चूरा चूरा हड्डी थी ना सारी निकाल के फेंक दी। देखो ठीक है, अब लाए ड्रिल मशीन और ड्रिल मशीन से उन्होंने इनकी बोन में यहाँ पर सुराख किया, यहाँ पर सुराख किया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर रॉड लगानी है ना इन्होंने, वहां पर देखो ये पूरी इन्होंने एक पहले ट्यूब एंटर की है, पूरी स्पेस बनाई है, और इस ट्यूब के बाद इस ट्यूब को बाहर निकाल के इस स्पेस में वो जो है वो रॉड इंसर्ट करेंगे। अच्छा, रॉड इंसर्ट करने से पहले उन्होंने किया क्या है कि जैसे इस बोन को यहाँ से ब्रेक किया था ना, ठीक है, ताकि वो जितना भी जो हमारा एरिया था जो डैमेज हुआ था वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, उसी तरह से एक पूरा कट यहाँ पर भी लगा दिया, इस बोन को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया, ये जो बीच वाला हिस्सा है इस बोन को इस वाली बोन से बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। क्यों किया ये हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं। ये रॉड इंसर्ट हुई है, ठीक है, और फिक्स कर रहे हैं अब इस रॉड को। इस रीजन में इन्होंने इस तरह से क्रॉस बनाया है एक, यानी क्रॉस में दो होल्स बनाए हैं, और इन होल्स में से अभी देखना ये लोग इस एक स्ट्रिंग को गुजारेंगे। इन दोनों स्ट्रिंग्स के आगे इन्होंने दो सुइयां लगा दी, क्यों लगाई हैं अभी देखो। उफ, 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 उफ। इस अंकल के गोश में से उस सुई के थ्रू उन्होंने वो स्ट्रिंग बाहर निकाली है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ठीक है, तो इन अंकल के मसल्स को और स्किन को पास करते हुए अंदर से इस स्ट्रिंग को यहाँ से बाहर निकाला गया, इस स्ट्रिंग को यहाँ से बाहर निकाला गया। अच्छा, ये वो फिक्सर है जिनके भी कभी रॉड लगी होगी तो आपने देखा होगा कि बाहर से जो है ना वो इस तरह से पूरे एक एक लाइक एक डिवाइस होती है जो सर्कुलर होती है दोनों तरफ से, और उसके बीच में यहाँ पे इस तरह से दो रॉड्स भी लगी हुई होती है, ठीक है, तो ये फिट करते हैं। मैं अभी दिखाऊंगी कि रियल में ये दिखता कैसे है, ठीक है, ये तो एनिमेशन है ना, ठीक है, तो अच्छा इसका क्या काम है वो अभी ये बताएंगे। अभी जो दो स्ट्रिंग जिन्होंने बाहर निकाली थी ना, इस स्ट्रिंग को इस पुली से यहाँ से घुमाकर इस रॉड के साथ लगाने वाले हैं ये लोग, ठीक है, और ये वाली जो स्ट्रिंग है इसको इस वाली पुली से घुमाकर इस वाले रॉड के साथ लगाने वाले, देखना गौर से। जैसे ही ये इन्होंने फिट किया तो अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर देखना लिखा हुआ है डे वन, एक दफा ये स्क्रू घूमेगा, ठीक है, और 1 मिलीमीटर ये इस इन स्ट्रिंग्स की वजह से 1 मिलीमीटर इस बोन को खींच कर यहाँ पर लेकर आएगा, अभी देखना। अब ये जो बोन यहाँ से पुल होकर पीछे की तरफ आ रही है, ये
तो इन दोनों बोन्स के बीच में, ठीक है, पर डे 1 मिलीमीटर का गैप आ रहा है, ठीक है। और ये बोन्स क्योंकि हमने कहा है कि हमारा एंडोस्केलेटन लिविंग होता है, तो ये यहाँ से ग्रो कर रही है, यहाँ से ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करते ना, तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा था जहाँ से हमने रिमूव किया, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन रिमूव किए जहाँ से, वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा था, बहुत टाइम लगता और शायद प्रॉपरली ना हो पाता, तो इन्होंने यहाँ से कट किया था इसको, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ते से जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे आहिस्ता आहिस्ता से पीछे करते रहेंगे और यहाँ पर न्यू बोन फॉर्म होती रहेगी। देखो 3 दिन हुए हैं, 3 मिलीमीटर दूर हो गई है ये, और यहाँ पर देखना येलो कलर से शो करेंगे ये भी। देखो आफ्टर 136 डेज ये न्यू बोन यहाँ से फॉर्म हो गई है, और ये खिंचती 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 ये देखो ये वाली स्ट्रिंग इसको खींचते खींचते यहाँ तक ले आई। और अब जो सॉकेट इन्होंने प्लेस किया था वो सॉकेट रिमूव कर दिया है, या वो जो फिक्सर था वो फिक्सर रिमूव कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता से अब ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। ओके टाइम देखो 2 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। सॉरी 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 जाओ जाओ जाओ, जाओ।